एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है लाइफ स्टाइल्स ऑफ देसी कपल। तो जैसे कि आप आज देख सकते हैं मैं आज कितनी सुंदर जगह आई हूँ। इस जगह का नाम है कार्लसफेल्ड सी, और इसको सी इसलिए बोलते हैं क्योंकि जर्मन में सी का मतलब होता है लेक, और ये एक बहुत सुंदर और बहुत बड़ी लेक है। ये लोकेशन बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, और ये वीडियो बनाने का आज मेरा मोटो मेन ये है कि मैं आज आपको जर्मन का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताने वाली हूँ, जो होता है एक गार्डन का, जिसे एक बियर गार्डन बोलते हैं। ये एक्चुअली फेमस है जिस उस स्टेट में जहाँ पे करंटली हम रहते हैं, ये है बायर्न स्टेट। यहाँ पे आपको बहुत सारे बियर गार्डन मिलेंगे, और ये क्या होते हैं उसके बारे में मैं आज आपको बताऊँगी। बियर गार्डन का जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। तो यहाँ पर बियर गार्डन रेस्टोरेंट्स होते हैं, यहाँ पर लोगों को बियर आके पीना बहुत पसंद है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी की बियर मिलती है। यहाँ का जो फूड है वो प्रॉपर बायर्न ऑथेंटिक फूड होता है, जहाँ पे आपको वेज में बहुत सारे ऑप्शन नहीं मिलते हैं, वेज में आपको एक दो ही ऑप्शन मिलेंगे। तो वेज वाले लोग यहाँ के क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन तो ये है। यहाँ पे एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप चाहें तो अपना खाना खुद लेके आ सकते हैं, खुद बना के लेके आ सकते हैं, या फिर आप किसी रेस्टोरेंट से पैक करवाइए और यहाँ आकर आप वो खाना खाइए, ये अलाउ है। बट हाँ, आपको बियर गार्डन से ही लेनी पड़ेगी, ये आपको कंपलसरीली यहाँ से ही बाय करना है। पर आप अपना खाना लेके आके खा सकते हैं, तो वेज वालों के लिए ये बहुत बड़ा एक बेनिफिट है, क्योंकि कभी कभी हमें यहाँ का खाना पसंद नहीं आ रहा है, दूसरे रेस्टोरेंट का आ रहा है, पर यहाँ पे बैठने के लिए बहुत ब्यूटीफुल गार्डन बनाया जाता है, तो यहाँ बैठ के खाने में बहुत मज़ा आता है। जैसे कि बियर गार्डन आपको मिलेंगे जर्मनी में ऐसे सुंदर सुंदर प्लेसेस पे, जैसे कि ये सी है और वहाँ पे पीछे बियर गार्डन है, तो ये ज़्यादा दूर नहीं है, आप वहाँ पे रह के ये व्यू इंजॉय कर सकते हैं और खा भी सकते हैं, और जिनको पीना पसंद है वो पी भी सकते हैं। कॉन्सेप्ट आया था बियर गार्डन का, ये बहुत पहले आया था जर्मनी में। उसका रीज़न ये था कि एक किंग था, उस किंग की बेटी की जब शादी हुई तो उसने अनाउंस किया था कि पूरे टाउन के लिए फ्री में बियर्स मिलेंगी, और जब उसने ऐसे बोला तो लोग बहुत एक्साइटेड हुए, और ये फेस्टिवल एक साल तक चलता रहा। तब से यहाँ पर अनाउंस किया गया कि बियर फेस्टिवल होगा एवरी टाइम वंस इन अ ईयर, जो ऑलमोस्ट एक महीने के लिए होता है, जो स्टार्ट होता है सितंबर मिड से अक्टूबर फर्स्ट वीक तक, जिसे अक्टूबर फेस्ट भी कहते हैं। जर्मनी में आप कहीं पर भी हो, कोई सी के पास हो, बीच के पास हो, कैनल के पास हो या लेक के पास हो, आपको बतख ज़रूर मिलेंगी, और ये बहुत फ्रेंडली होती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये लोगों से बहुत अच्छे से इंटरेक्ट करती हैं, और मुझे तो बड़ा मज़ा आता है इनको खिलाने में, इनके साथ खेलने में।
तो चलिए अभी हम इस सुंदर सी जगह को ऊपर से देखते हैं थोड़ा सा। हमारे जो फ्रेंड हैं उनके पास ड्रोन था और यहाँ पे ड्रोन के लिए परमिशन लगती है और इस जगह में परमिशन थी ड्रोन उड़ाने की, इसलिए हमने सोचा कि हम इस चीज़ का भी थोड़ा मज़ा ले लेते हैं और ड्रोन उड़ा के ये सुंदर सी जगह को ऊपर से भी अच्छे से देखते हैं। तो तुम लोग पैकअप कर रहे हो? तो ये था हमारा ट्रिप और ये था बेस्ट वे जर्मन्स का समर्स में वीकेंड स्पेंड करने का। तो हमें भी काफ़ी अच्छा लगता है जब हम बाहर आते हैं क्योंकि यहाँ पे धूप काफ़ी अच्छी होती है और ऐसे लोकेशंस पे आना तो एक ड्रीम ही होता है। और अभी काफ़ी कुछ ओपन हो गया है यहाँ पे, रिस्ट्रिक्शंस कम हो गए हैं तो अभी अच्छा लगता है। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो एंड करती हूँ। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। टिल देन बाय।